Hello students, welcome to Nandep Academy. My name is Nikhil Patil and I will be your Sarthi for the History of Knowledge subject at the Nandep Academy. We are happy to announce that we are launching the offline batch of History Optional at the FC Road Center of our Nandep Academy. Now, the basic question that arose in the minds of every UPSC aspirant, why should we take History as an optional? So, in this session, we will look at some of the nuances that provides us why should we take history as an optional? What are the benefits that gives that history optional provides to us? So let's start the discussion. So first thing, in this whole session about the history optional, we are going to cover some of the basic modules. So we will first briefly identify the modules and then we will proceed with each module. So firstly, we will look at the, is it worth taking history as an optional subject? Then we will break down some of the myths and misconceptions regarding the history option. After that, we will analyze some of the advantages that history optional provides us in the UPSC examination. Then we will look at the basic paper pattern of history optional subject and the various modules which history optional provides us. And finally, we will look at why should you join us for the history optional subject. So chaliye abhi start karte hain hamara pehla module jisme hum dekhne wale ki history optional lena hamare liye worth it hai UPSC ke liye. To iska answer simply hame Shruti Sharma deti hai. Shruti Sharma was the all India rank 1 in 2021 examination. Generally jab bhi UPSC ki baat aati hai aur mains examination ki baat aati hai, इवन अगर जीएस की बात करें, हिस्ट्री एक डरावना सब्जेक्ट माना जाता है, काफी ज्यादा फियर होता है. लेकिन अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेके कोई रैंक वन ला रहा है तो इसका मतलब ये कि हिस्ट्री इतना भी बुरा नहीं है और हिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ये प्रूफ किया था श्रुति शर्मा ने. इन्होंने 2021 के एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक वन हासिल किया था. शी स्कोर्ड 150 इन पेपर वन ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड 156 इन द पेपर टू. इसका मतलब कि इन्होंने आउट ऑफ 500 She scored 306 marks. So, you know, ये प्रूफ करती कि हिस्ट्री वर्थ टेकिंग सब्जेक्ट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में. देन एक और बंदा है जिसका नाम है फाड़के विक्रम. दिस इज अ महाराष्ट्रियन गाय हु स्कोर्ड पेपर 170 स्कोर इन पेपर वन एंड 154 इन द पेपर टू. अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो इसने 324 मार्क्स स्कोर किया था. ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट. नाउ अगर हम इसे ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट करें सो ही स्कोर्ड 952 मार्क्स. इसका रैंक अराउंड अराउंड समथिंग 100-200 में लगा होगा. लेकिन दिक्कत क्या थी इसकी, लुक एट हिज मार्क्स सेट ऑफ द जीएस सब्जेक्ट्स. ही स्कोर 80 87 94 80. अगर इस बंदे ने हर एक जीएस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स भी स्कोर किया होता, इसका रैंक वन आता. इसकी गलती ये नहीं थी कि हिस्ट्री ऑप्शन लिया, इसकी गलती क्या थी, जीएस में मार्क्स नहीं स्कोर पाया. लेकिन हिस्ट्री लेने के बावजूद ही स्कोर्ड 324, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन वन ऑफ इन एवरी ऑप्शन. देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ ईश्वर कुमार खंडो. ही स्कोर्ड 116 पेपर वन एंड 156 इन पेपर टू. अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो ही स्कोर 316 आउट ऑफ 500 मार्क्स, अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. देन वी हैव रजत रविंद्र. ही स्कोर्ड 151 एंड 150 मार्क्स इन द बोथ द पेपर्स. सो इफ यू कैलकुलेट ही स्कोर्ड 301 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स. सो बेसिकली जब हम इन चार लोगों की मार्कशीट देख रहे हैं, हमें जिस एक चीज का आइडिया बहुत क्लियरली आ रहा है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डरावना माना जाता है. लेकिन इन रियलिटी हिस्ट्री में 300 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है और लोग कर भी रहे हैं. अगर आप हिस्ट्री लेके 300 प्लस स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि अगर आप जीएस में ठीक 100 भी स्कोर कर पा रहे हो,
आपका रैंक वन ऑफ द टॉप रैंक्स लगेगा हिस्ट्री ऑफ पूरे यूपीएससी एग्जामिनेशन में. नाउ पहली बात हम लोगों ने देख ली कि हिस्ट्री वर्थ टेकिंग है या नहीं है. नाउ अभी हम देखते हैं कि क्या क्या मिथ्स और मिसकंसेप्शन है हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग यूपीएससी ऑप्शनल मार्केट में. सो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, डेटा है, ईयर से. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री रादर देन अ फैक्ट, हिस्ट्री इज अ स्टोरी. अगर आप हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्मेट में समझते हो, अगर आपको हिस्ट्री स्टोरी फॉर्मेट में बताई जाती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डिबेट्स है इसमें अंदर, तो हिस्ट्री रादर देन लर्निंग फैक्ट्स अगर आप स्टोरी याद रखते हो तो आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. और यही कहा जाता है कि हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, ना कि फैक्चुअल डेटा पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर फैक्ट्स पे पेपर कीजिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है. लेकिन आप ऑप्शनल के लिए आ रहे हो तो फैक्ट्स इतना मैटर नहीं करते हम लोग के लिए. हम लोग का मैटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग. इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमें एनालिटिकल आंसर्स लिखने पड़ते हैं वहां पे. तो हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. अगर आप लोगों ने स्टोरी लाइन ठीक से समझ ली है तो आप इजिली हिस्ट्री ऑप्शन को कवर कर पाएंगे. देन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है हिस्ट्री ऑप्शन के लिए, स्टूडेंट का इंक्लिनेशन. अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से, अगर आप बी एम ए, अगर आपने हिस्ट्री भी करके रखा है तो बाय नेचर आपकी चॉइस होगी हिस्ट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन इसी के साथ में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है हिस्ट्री के लिए. अब अगर आप हिस्ट्री जैसा बड़ा सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर करने जाओगे तो नेचुरली कि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ने वाला है. क्यों, हर एक मॉडल के लिए, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हर एक मॉडल के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी और वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में. और आपको कोई बताने वाला नहीं कि इनको कवर कैसे करना है, किस हद तक प्रिपेयर करना है. लेकिन अगर आप लोग ठीक से एक स्मार्ट वे से, जैसे हम यहाँ पे जिस तरीके से कवर करने वाले, एक छोटे फॉर्मेट में, क्रिस्प फॉर्मेट, टू द पॉइंट, जितना यूपीएससी को नेसेसरी है, अगर हम उतना लॉजिकली कवर करें विद द हेल्प ऑफ द लाइटिंग गाइड्स नोन एज पीवाईक्यूज ऑफ द यूपीएससी, उसको अगर ध्यान में रख के करें तो हमें एक चीज़ पता चलता है कि हिस्ट्री एक स्मार्ट वे से बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर की जा सकती है. तो हिस्ट्री में सिर्फ हार्डवर्क नेसेसरी नहीं होता है बल्कि स्मार्ट वर्क करना भी नेसेसरी होता है. एंड देन ability to present it on paper. कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, rather history या कोई भी छोटा ले लीजिए, बड़ा लीजिए. अगर आप उसको पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर पाए मीन्स के दिन, तो छोटा ऑप्शन हो या बड़ा ऑप्शन हो, ईजी हो या टफ हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं. तो हिस्ट्री को एज अ बड़ा सब्जेक्ट इसलिए ब्लेम करना ये बहुत गलत बात है. बड़ा हो या छोटा, अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो अल्टीमेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. और ये प्रूफ कापी हुआ श्रुति शर्मा, ईश्वर, राजेंद्र, इन्होंने जो प्रूफ किया मार्क्स 300 प्लस स्कोर करके, ये शो करते हैं कि अगर आपकी एबिलिटी है, अगर आप स्मार्ट वर्क कर पा रहे हो, आपका सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन है. इंक्लिनेशन कब आएगा, जब आप अच्छी स्टोरी सुनोगे और स्टोरी याद रखोगे, स्टोरी समझोगे, स्टोरी की अगर अंडरस्टैंडिंग ली, तो इट इज पॉसिबल और वेरी वेरी मच पॉसिबल कि आप 300 प्लस हिस्ट्री ऑप्शन में स्कोर कर पाओ. तो ये कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन थे जो कि हिस्ट्री ऑप्शन रिगार्डिंग है. जनरली ऐसा मिसकंसेप्शन मार्केट में बनाए इसलिए जाते हैं कि सब्जेक्ट से दूर हटाया जाए बच्चों को. ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्ट सिलेबस है मानते हैं, लेकिन अगर एक हमने देखा ना, अगर हम स्मार्ट वे कर रहे हैं तो वास्ट सिलेबस में क्रिस्प फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जा सकता है. तो एट नंदीप अकेडमी वी विल ट्राई टू कवर हिस्ट्री ऑप्शन इन सच अ वे दैट कि आपको कोई फैक्ट्स याद रखने की जरूरत ना पड़े, आपको एक स्टोरी लाइन समझाई जाएगी, उस स्टोरी की एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे जो आपको मेन आंसर लिखने में मदद करेंगे. जो ये वास्ट सिलेबस का कॉन्सेप्ट है इसको कम्प्लीटली हम ब्रेक डाउन करेंगे एक बहुत ही क्रिस्प और लाइटेड या गाइडेड फॉर्मेट में, यूपीएससी के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हम प्रिपरेशन करेंगे. एंड द फॉर्मूला ऑफ स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क. अगर मैं आपको एज अ फैकल्टी या हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, मेरा बेसिक एम होना चाहिए कि मैं आपको स्मार्ट वर्क करके हिस्ट्री ऑप्शन प्रिपेयर करवा दूँ. आपको घर जाके खुद से अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए. घर जाइए, नोट्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मोर देन इनफ. After looking at the myths and misconception, now we will look at some of the advantages of the history option. जब भी आप history सुनते हो सबसे पहले negative thoughts आना चालू होते हैं, डर लगता है. तो कैसे हम मानेंगे कि history के कोई advantages भी होते हैं जीवन में, लेकिन होते हैं. अगर आप ठीक से history को analyze करें as a optional subject, आपको बहुत सारे advantages देखने को मिलेंगे. जैसे पहला, negligible involvement of the current affairs. Most of the optional subjects in UPSC
हैव द रेलिवेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द करंट अफेयर्स. उनको स्टैटिक कवर करना है, साथ में उनका करंट का रेलिवेंट, करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर करने पड़ते हैं, तो आपका बर्डन बढ़ता है. लेकिन हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है. अगर कोई स्टैटिक सब्जेक्ट आपको कोई करंट अफेयर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपका काम लोअर हो रहा है, और जो वास्ट कंसेप्ट है सिलेबस का वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कोई अगर ऑप्शन है दूसरा जो छोटा है काफी ज्यादा. लेकिन अगर मैं उसको करंट अफेयर्स ऐड कर दूं, करंट अफेयर्स आता है नेवर एंडिंग फिनोमेना, राइट, तो अल्टीमेटली सिलेबस वास्ट हो जाता है. लेकिन हिस्ट्री जो पहले ही वास्ट है, अगर मैं उसे करंट अफेयर्स हटा दूं तो उतना ही रह जाएगा. तो हिस्ट्री ऑप्शन वास्ट नहीं है, प्लस स्टैटिक है. वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, वही फॉर्मूलाज है, वही स्मार्ट वर्क अगर किया तो इजिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड, डिबेटेबल टॉपिक्स. नाउ डिबेटेबल टॉपिक से कहना क्या मेरा, जनरली फैक्ट्स और फिगर्स हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड नहीं करता. हिस्ट्री ऑप्शन बेस करता है डिबेट्स पे. पूरा का पूरा हिस्ट्री हम डिबेट फॉर्म में पढ़ने वाले. इसका मतलब है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस एक पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से अलग अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं, वो किस तरीके से एक हिस्टोरियन के काउंटर आर्ग्यूमेंट को काउंटर करेंगे, और फाइनली हम देखेंगे तीन चार हिस्टोरियन जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उनका एक न्यूट्रल वे क्या होगा. जब हम डिफरेंट हिस्टोरियंस के कोटेशन या उनके आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, तब हमें एक चीज पता चलती है, हिस्ट्री फैक्ट नहीं है. हिस्ट्री एक एनालिसिस है, एक पर्सपेक्टिव है डिफरेंट हिस्टोरियंस का जो उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो ये पर्सपेक्टिव, यही इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. देन आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा कि कुछ ऑप्शनल से PSIR और बहुत सारे PBAD वगैरह, उनमें काफी ज्यादा थ्योरीज एंड डॉक्ट्रिन्स आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑफ अदर डॉक्ट्रिन्स. द वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस इन हिस्ट्री ऑप्शन, यहाँ कोई थ्योरी और डॉक्ट्रिन नहीं है, यहाँ प्लेन एक स्टोरी है. उस थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है हिस्टोरियंस के. आपको अगर स्टोरी समझ रही है और हिस्टोरियन क्या कहना चाह रहे स्टोरी के बारे में, अगर वो समझ लिया, हिस्ट्री खत्म है, उतना ही होता है. आपको कोई एडेड एडवांटेज या कोई एडेड करंट अफेयर्स नहीं है, कोई एडेड डॉक्ट्रिन्स का फॉर्मूला नहीं. एक स्टोरी सुनिए, मस्त स्टोरी को एंजॉय कीजिए डिफरेंट हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से, ताकि आपका भी एनालिटिकल दिमाग खुलेगा, राइट. देन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, अदर ऑप्शन का नहीं पता. हिस्ट्री ऑप्शन लेने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि 75-80% ऑफ द पेपर रिपीट होता है. इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, निग्लिजिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ करंट अफेयर्स. अगर करंट अफेयर्स नहीं है, पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शन स्टैटिक है. अगर यूपीएससी ऑप्शनल 1980 से हम एनालाइज करें, 1980 से लेकर 2023 अराउंड 43 ईयर्स है. अगर मैं 43 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करूंगा और 43 ईयर्स में हर साल अगर यूपीएससी 40 क्वेश्चन पूछ रही है, यूपीएससी के पास कितना ही स्कोप बचेगा स्टैटिक क्वेश्चंस को और डायनामिक बनाने का. अगर हम उन थीम्स को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर बेसिक नोट्स बनाए प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो यूपीएससी चाहे सिलेबस का कोई भी टॉपिक पूछे, हमारे पास कॉन्टेंट होगा और वही कॉन्टेंट हमें डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करना है. और यूपीएससी की ब्यूटी यही है हिस्ट्री ऑप्शन में कि 75-80% ऑफ द थीम्स और क्वेश्चन रिपीट होते हैं. 2024 में भी जो मेंस में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो पास्ट के 40 इयर्स का अगर एनालिसिस करें तो 75-80% पेपर रिपीट होने वाला है. तो बिगेस्ट एडवांटेज क्या आपके लिए कि पूरा का पेपर, लगभग पूरा पेपर 75% 3/4 ऑफ द पेपर आपका रिपीट आने वाला है. तो आपको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है. आप अगर ठीक से स्ट्रक्चर तैयार करके टॉपिक्स और थीम्स से रिलेटेड, तो आप इजीली क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे. एंड देन फाइनल द इंटरलिंकेजेस एंड द इंटरकनेक्शन. हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करने से सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल में मदद नहीं होती है, बल्कि अगर आप GS1 की बात करो यूपीएससी मेंस में, तो GS1 में आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ हद तक GS2 में पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला कंसेप्ट है, गवर्नेंस का कंसेप्ट है, वहाँ हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. प्लस अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक आज जो प्रेजेंट डेवलपमेंट हो रही है IIM में इंटरनेशनल रिलेशन, वो आपको उसके इंटरलिंकेज बहुत अच्छे से समझ में आते हैं. इन GS3 इंडियन इकोनॉमी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आज का प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत नेसेसरी होता है. वो कहाँ समझ में आता है, जब आप हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, देन उसी GS3 के पेपर में आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो. आज इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्यों इतने राइज हो रहे हैं, वो कहाँ से पता चलता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हुआ हमारे साथ, जो मूवमेंट्स चली, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोमेना या डिबेट्स चली, उसके कारण हमें इंटरनल सिक्योरिटी हेल्प मिलती है. एंड देन फाइनली द GS4 एथिक्स, एक टॉपिक आपके एथिक्स पेपर में,
मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, उसमें मेजर लाइफ गांधी जी के बारे में सुनते हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनते हो, नेहरू जी के बारे में सुनते हो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ये सब कौन है? आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। वही पे हम इन सारे की चीज़ों, उनकी फिलोसॉफी, उनके थिंकिंग क्या थी, वो सारी समझते हैं। अगर आप लोगों ने वो सारा चीज़ यहीं पे समझ लिया है, आपको एथिक्स के बारे में एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, आपको वहाँ पे अननेसेसरी टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली वहाँ पे स्कोर कर पाओगे। क्यों? जनरल स्टडीज में एथिक्स में अगर कोई थिंकर पढ़ रहा है आप लिमिटेड पढ़ोगे, लेकिन अगर हिस्ट्री ऑप्शन में आपको गांधी जी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको इनडेप्थ पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी नॉर्मल जीएस का पेपर या जीएस का एस्पिरेंट जो आंसर लिखेगा एथिक्स का गांधी जी के ऊपर, उससे बेटर हमेशा आपका आंसर होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और वही एक्स्ट्रा मार्क्स आपको रैंक हासिल करने में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि हिस्ट्री वर्थ टेकिंग है ही नहीं, तो हमने टॉपर्स के मार्क्स देखे, तो हमें पता चला कि हिस्ट्री वर्थ टेकिंग भी है। सेकंड हमने देखा कि मिस और मिसकंसेप्शन क्या थे, उनको हमने ब्रेक किया। देन थर्ड हमने एडवांटेजेस देखे, और जो एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे उससे एक बात तो पता चलती है, हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस सब्जेक्टिव फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है व्हाई टू चूज नंदीप एकेडमी फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल तो दिल्ली में भी चल रहा है काफ़ी जगह, पुणे में भी काफ़ी जगह चल रहा है, तो नंदीप एकेडमी आप लोगों को ऐसा अलग क्या प्रोवाइड करने वाली कि आपको हिस्ट्री ऑप्शन के लिए नंदीप एकेडमी चूज करनी है? इसका बेसिक रीजन अगर हम जाने, नंदीप एकेडमी में आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेबस इन द लाइट ऑफ P1Q, हिस्ट्री एज सच बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर उसको ठीक से कवर करना है हमें एक लाइटनिंग गाइड चाहिए। अगर गाइड नहीं है तो ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। जब मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल नंदीप में पढ़ाऊंगा, मेरा सिर्फ एक और एक बेसिक काम रहेगा आप लोगों के लिए कि यूपीएससी ने पिछले 40 से 45 सालों में जितने ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे उनकी लाइट में उनको गाइड लेके मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करवाऊँ, ताकि आप हम इधर उधर भटके ना, एक स्मार्ट वे में हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे, राइट? तो इसमें हम क्या कवर करेंगे कि सभी माइक्रो टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है, प्लस लास्ट 43 ईयर्स के जो पेपर्स थे 1980 से लेकर 2023 तक PYQ UPSC, उनको सारे को कवर करेंगे, प्लस उनके थीम्स आइडेंटिफाई करके एक मॉडल से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्मार्ट वे में हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। सेकेंडली आफ्टर मॉडल आफ्टर द PYQs वी विल प्रोवाइड सम मॉडल क्वेश्चंस एंड वायर फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, यूपीएससी पेपर सेटर्स एक IAS ऑफिसर नहीं होता या IPS ऑफिसर नहीं होता है, दे आर द प्रोफेसर्स ऑफ हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, द हिंदू कॉलेज, राइट? अब ये जब लोग उनकी यूनिवर्सिटीज के लिए पेपर प्रिपेयर करते हैं हिस्ट्री के लिए एज अ MA और BA, वही क्वेश्चन काफी बार देखे जाते हैं कि MA BA के DU के पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल UPSC में रिपीट होते हैं। एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल साथी ऑफ यू, मेरा बेसिक काम क्या रहेगा, आपको PYQs तो एनालाइज करवाना, मैं चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज बाद में रखूं, उसके पहले जो ऑथेंटिक क्वेश्चन आ सकते हैं जो प्रोफेसर खुद सेट कर रहे पेपर्स के लिए और जो यूपीएससी ऑप्शन के लिए रेलिवेंट है वो आपको प्रिपेयर करवा दूं। तो मॉडल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोफेसर्स ऑफ DU एंड JNU, राइट? और उनकी वायर फ्रेमिंग, मॉडल क्वेश्चन प्रिपेयर किए, अब उसका आंसर कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो सबसे मेन पार्ट है। कॉन्टेंट मैं आपको लिखवा दूंगा, वो कॉन्टेंट को यूटिलाइज कैसे करना है, किस फॉर्मेट में हमको डालना है उसको, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देन डिस्कशंस ऑफ द PYQ, जो हर एक टॉपिक क्लास में खत्म होगा उसके बाद में हम उनके PYQ डिस्कस करेंगे, इस PYQ का रेलिवेंस क्या है, इसको टैकल कैसे करेंगे, और आगे जाके उस टॉपिक पे बेस्ड ऑन दिस PYQs और क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं जो हम मॉडल क्वेश्चंस में देखेंगे, राइट? रेगुलरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहेंगे, हर सैटरडे संडे को हम ट्राई करेंगे कि आपका एक सेशन रखें, जो भी आप लोग वीक में पढ़ाए या 15 दिन में पढ़ाए, आप लोगों को एक सेशन मिलेगा जिसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट से आंसर राइटिंग, हिस्ट्री रिवीजन से लेके सोर्सेस से लेके सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक सिलेबस का टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिससे होगा क्या, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल प्लस उसके आंसर राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर हो जाए। आपको ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल कवर हो गया लेकिन आंसर राइटिंग की भी, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर राइटिंग का फियर, दोनों एक साथ में आपका खत्म करूंगा। एंड देन सबसे मेन एजेंडा नंदीप ज्वाइन करने का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फैकल्टीज आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, दिक्कत सबसे ज्यादा क्या आ रही है और बच्चों में फियर ऑप्शनल प्रिपेयर करने के बाद ही क्यों रह रहा है, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड एंड कंसाइज
नोट्स अवेलेबल नहीं है, फैकल्टीज आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं कि नोट्स कैसे बनाए और कितने बनाए और क्या लिखना है नोट्स में। मेरी क्लास का बेसिक एजेंडा क्या रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जितना मुझे नेसेसरी लगता है कि इस टॉपिक से यूपीएससी में इतना कॉन्टेंट लिखना नेसेसरी, मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, घर जाके बोलूंगा ये कॉन्टेंट प्लस पीपीटी का कॉन्टेंट ऐड कीजिए, एंड दैट विल सफाइस, इट विल मोर देन इनफ, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और ऐसा क्यों हो पाएगा, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा वो किस पे बेस्ड रहेंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यू के बेस्ड, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और अगर हम क्लास में सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी रिसोर्स नहीं। एज अ फैकल्टी मेरा बेसिक काम क्या है, बेसिक एम क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों का काम इजी करूं, हार्ड वर्क हटाना है, स्मार्ट वर्क के आपको वर्क करवाना है। तो स्मार्ट वर्क क्या होगा, क्लास में आइए, क्लास कीजिए, नोट्स लिखिए, घर जाके पीपीटी का ऐड ऑन कीजिए, एंड कोई बुक ना पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपके लिए वो काम स्मार्ट वे में कंसाइज करके आपको एक स्ट्रक्चर फॉरवर्ड कॉन्टेंट प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो शायद से इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन द लास्ट मॉड्यूल ऑफ आवर टूडेज डिस्कशन इज द मॉड्यूल्स ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, राइट। बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में दो पेपर आते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, बोथ विल कवर 250 मार्क्स ईच। पेपर वन में दो सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, अगेन पेपर टू में भी दो सेक्शन रहेंगे, पेपर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए विल कवर एंशियंट इंडिया, सेक्शन बी विल कवर मिडिवल इंडिया ऑफ पेपर वन। पेपर टू का सेक्शन ए कवर का मॉडर्न हिस्ट्री को और पेपर टू का सेक्शन बी कवर करेगा वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो चार मॉडल्स में हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री को बांट के रखा है। हर एक सेक्शन 125 नंबर्स कवर करेगा, सिंपल बेसिक पैटर्न, एंड लास्ट जो जनरली अदर ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलता है, एक अलग ही मॉडल यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको कहते हैं मैपिंग, हिस्ट्री ऑप्शन की मैपिंग। जनरली जब हम हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है उसकी मैपिंग के ऊपर, ऐसा कुछ आपको इंडिया का मैप दिया रहेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स दिए रहेंगे, ऐसे कुछ 20 साइट्स आइडेंटिफाई करनी होती है, और वहाँ पे नंबर दिया जाता है 1, 2, 3, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये पैलोलिथिक साइट का नेम क्या है, मेसोलिथिक साइट का नेम क्या है, हड़प्पा साइट का नेम क्या है, उन्होंने दिया रहता है साइट वन पैलोलिथिक साइट है, तो आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर 20-30 वर्ड्स लिखना होता है। तो साथ ही साथ जैसे एंशियंट हिस्ट्री कवर होता रहेगा, उसी के साथ में उसकी मैपिंग करते रहेंगे, पैलोलिथिक एज खत्म हुआ, पैलोलिथिक एज साइट की मैपिंग, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना है कि ऑप्शनल खत्म होने के बाद आपको मैपिंग करना अलग से, हेक्टिक टास्क है ना, तो ट्राई करेंगे स्मार्ट वे। अगेन मिडिल हिस्ट्री हो गया, उसके साइट्स एंशियंट हो गए, उसके साइट्स टॉपिक बाय टॉपिक, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साइट्स कब कवर हो चुकी है मैपिंग, क्योंकि सबसे हेक्टिक पार्ट हिस्ट्री ऑप्शनल का यही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ईच टॉपिक के साथ में आपकी मैपिंग कवर होती रहे, ताकि आपको ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना है। तो बेसिक पेपर पैटर्न क्या हुआ, पेपर वन एंड पेपर टू, ईच विल कवर 250 मार्क्स, बोथ विल कवर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड ईच ऑफ द सेक्शन विल कवर 125 नंबर, राइट। देन हर एक पेपर वन एंड पेपर टू, राइट, पेपर वन में टोटल 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस 8 में से आपको लिखने रहते 5। अगर पेपर टू में सेम पैटर्न, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5, मतलब ऑप्शनल है, क्वेश्चन चूज करने में आपको ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए उसको ऑप्शनल भी कहा जाता है, राइट। 5 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड द 5th क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। अगेन पेपर टू में सेम, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर टू विल बी कंपलसरी एंड द 5th क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। अब रादर जितने क्वेश्चन बचे 6 में से आपको कितने प्रिपेयर करने हैं, 3 क्वेश्चंस। तो जब हम हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से की एरियाज है, कौन से की थीम्स है, एंशियंट या मिडिवल है, मॉडर्न या वर्ल्ड है, जो आपको इजीली मार्क्स देंगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे हम उसके साथ में जानते जाएंगे। सो आई थिंक आज का जो मैंने सेशन लिया है उसको आप उसके बाद में आपको हिस्ट्री ऑप्शन रिलेटेड कोई डाउट्स देंगे कि क्यों हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहिए, हिस्ट्री ऑप्शन रिलेटेड क्या मिस थे, क्या मिसकंसेप्शन थे, और हिस्ट्री ऑप्शन लेना क्यों चाहिए, हमने देखा कि टॉपर्स आते हैं, एडवांटेजेस क्या है हिस्ट्री ऑप्शन के, हम लोगों ने वो देखा। देन हम लोगों ने देखा कि नैनदीप क्यों ज्वाइन करना है, वो हम लोगों ने देखा। अब अगर आप लोगों को हिस्ट्री ऑप्शन ज्वाइन करना है तो प्लीज
नीचे दिए गए डिटेल्स पे आगे जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड है उस पर कॉल कीजिए और इंक्वायरी कीजिए इंस्टा ऑप्शन रिगार्डिंग द नंदीप एकेडमी FC Road ब्रांच। थैंक यू। 16 सितंबर।